दिया और तूफान कॉलेज कॉलेज की छुट्टी कर देंगे आप लोग। सब तैयारियां हो गई? हाँ हो गई, लेकिन पता नहीं नारियल आया कि नहीं। आ गया। तक में स्ट्रॉबेरी लाई हूँ। ये हटेली, कौन सा नारियल उठा कर लाई है तू? पानी वाला। जो भी एडमिशन लेने के लिए आएगा ना, हम लोग उसको नारियल पानी पिलाएंगे। हे भगवान, हमने मुहूर्त में फोड़ने के लिए नारियल मंगाया था। मैं गलत जगह पे आ गया। गिनती आती है ना आपको? हाँ आती है, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। ये आपको मैथ के बारे में पूछ रहे हैं, साइंस के बारे में नहीं। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, इसका मतलब मुझे मैथ्स आता ही होगा ना? आप दाढ़ी खुद बनाते हो? हाँ बनाता हूँ। क्यों? बाल काटने के लिए हजाम के पास जाते हो? क्योंकि मुझे बाल काटने नहीं आते। Exactly! जैसे आपको दाढ़ी बनाने आती है लेकिन बाल काटना नहीं आता, वैसे ही आप साइंस में ग्रेजुएट हुए तो क्या हुआ? आपको मैथ्स नहीं आता। बिना 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 जल्दी बाहर जाओ। बिना चिल्लाना बंद करो, ये मच्छी बाजार नहीं है, कॉलेज का परिसर है। ठीक है ठीक है, तो अपने बेटियों को कह दो वो अपने बाप से बात कर रहे हैं, किसी कॉलेज के प्यून से नहीं। ओहो, आप लोग ग्राहकी के टाइम पे बहस मत करो। ग्राहक? हाँ, आज से ये लोग भी एजुकेशन की दुकान खोल रहे हैं। एजुकेशन की दुकान? अरे भाई कितनी देर है, हम लोग सुबह 5 बजे से लाइन लगा कर खड़े हैं, एडमिशन कब शुरू होगा? अबे ओए ढक्कन, तू कॉलेज में एडमिशन लेने आया है कि राशन की दुकान में घास ले? तू सुबह 5 बजे से लाइन लगा कर खड़ा हो गया है? काजल भाई कमाल हो गया, अपने कॉलेज के एग्जाम का तो बवाल हो गया है। देखो कहां कहां से लोग एडमिशन के लिए आते हैं। जब इनके बच्चों का भविष्य खराब होगा ना, तो देख लेना यही पब्लिक कैसी दौड़ाएगी तुम्हें। ए, चलो सुनो, जल्दी करो नारियल फोड़ो और एडमिशन चालू करो। अरे यार, लेकिन ये हटेली पानी वाला नारियल उठा कर लाई है। मुझे मालूम ही था आपके घर में मैनेजमेंट में बहुत बड़ा लोचा होता है, नारियल में लेके आया हूँ। अरे चलो हटो। ये ऐसे नारियल फोड़ रहा है जैसे शमशान के बाहर मुर्दा जलाने के पहले नारियल फोड़ते हैं। अरे शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ, कैसे फोड़ा देखो ना। प्लीज, अरे आओ अंदर आओ। शादी करने वाले मेरे पीछे लाइन लगा। हट तू, चुप बैठ, समझे? चुप बैठ, बकवास मत कर। देखो भाई लोग, धक्का मुक्की जरा भी मत करो, सबको एडमिशन मिलेगा, सिर्फ 200 रुपए छुट्टा तैयार रखना। बोलो, कॉलेज चला रहे हैं और गोली बस कंडक्टर की बोल रहे हैं, छुट्टा निकालो। तुम चुप रहो, चलो जल्दी से एडमिशन शुरू करो। हाँ चलो चलो जल्दी लेकर जाओ, लेकर 200 रुपए निकाल, चल जल्दी फटाफट, चल 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 जल्दी 8 वाले लेते जाओ। हाँ 200 रुपया, चलो 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 जल्दी करो, रास्ते का माल सस्ते में, चलो जल्दी करो, चलो चलो फटाफट, कॉमर्स में एडमिशन लो, ग्रेजुएट बनो और काम पे लग जाओ, चलो 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 चलो। ये लो। अरे चलो चलो जल्दी करो, 8 से बच्चों को एडमिशन दिलाओ, वकील नहीं तो प्रोफेसर बनाओ, कुछ नहीं तो पॉलिटिशियन ही बना दो। चलो चलो डॉक्टर बनो, किडनी का ट्रांसप्लांट करो, मेडिकल वाले से कमीशन खाओ, डॉन्सेस काटो, चलो 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 चलो। 200 रुपए। बिना सही जा रहे तेरे बच्चे, आर्ट साइंस और कॉमर्स ऐसे बेच रहे हैं जैसे भुलेश्वर में किसी ने बक्कल और हेयर पिन का बाकड़ा लगाया हो। बेबे आना, बेबे आना, बेबे आना, बेबे आना। सबके एडमिशन हो गए भाई, ये आखिरी है। ये ले। मैं बच्चे को कब कॉलेज भेजूं? लगता है तेरे को बच्चे की कमाई खाने का बहुत जल्दी है। घर पे बैठ के बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। अरे बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या तू मस्ती करेगा? इसके बच्चे को 1 महीना लेट क्लास में बिठाएंगे। अरे भाई ऐसा मत करो, मेरे बच्चे की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। ए, कॉलेज में पढ़ाई होती कब है? हाँ कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगे तो कोचिंग क्लास वालों के बच्चे तो लोकल ट्रेन में अगरबत्ती बेचते नजर आएंगे। हाँ, जा घर पर जाकर केबल पर पिक्चर देख के सो जा। बिल्कुल, अब तुम्हारे बच्चों के भविष्य की बागडोर हमारे बच्चों के हाथ में है। बोलो, जिनके बागडोर का कोई ठिकाना नहीं वो दूसरों की बागडोर संभाल के बैठे हैं, वो लोग वो। चले तो निकल निकल। अरे आनंद बाबा, अपने देश में ऐसा ही चलता है, एक की टांग दूसरा खींचता है, दूसरे की टांग तीसरा, और तीसरे को खींच के चौथा देश चलाता है। क्या बात कर रहे टकले, देश भी चलता है? मैंने तो सिर्फ आज तक देश का लुटना, देश का बंटवारा, देश की आजादी,
देश का बेचना, बस यही सुना था। देश चलता कैसे है ये मेरे समझ में नहीं आया। देखो बेटा, हम लोग कहते ना कितनी अच्छी हवा चल रही है, हवा में दिखती है नहीं ना, इसी तरह देश भी चलता है, हमें दिखता नहीं है। अरे पागल लोग, इसे समझाना छोड़ो। तुम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन तो दे दिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस किधर है? अरे डैड, हमने एक ब्रिलियंट स्कीम सोची है। कैसी स्कीम? अरे डैड, हमने सोचा है कि हर इलाके में एक एक शादी का हॉल भाड़े पे लेंगे। क्या? हाँ, और वहाँ रोज 9 से 12 उस इलाके के बच्चे पढ़ाई करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, अपने जीतू का भाई देवू इसी तरह कराटे क्लासेस चलाता है और डांस मास्टर पूर्णा सत्यम क्लासेस में डांस सिखाता है। ये कॉलेज की बात है, ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, रविंद्रनाथ टैगोर जी बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा कर पढ़ाया करते थे, वहीं पर तो शांति निकेतन नाम की महान संस्था का जन्म हुआ था। वो ठीक है, लेकिन शादी की सीजन में क्या करोगे? करना क्या है डैडी, जैसे म्युनिसिपल स्कूल के बच्चों को दूध बिस्किट मिलता ना खाने को, वैसे हमारे बच्चों को शादी का खाना मिलेगा। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अरे बापू, अपू ने उसके बारे में भी सोच लिया है, मुकेश पटेल से 4-6 बस किराए पर लेंगे और मुंबई दर्शन कराते कराते बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। और प्रोफेसर का क्या? अरे उसकी तो आप चिंता ही मत करो, इस देश में पढ़े लिखे बेकारों की कोई कमी नहीं है। एक इश्तिहार देंगे ना, 50 खड़े हो जाएंगे लाइन। कौन चालू है सुरे? अब कौन आया है स्वीटी? डैडी, एक खूबसूरत बेटी को कॉलेज में एडमिशन दिलाने निकला, ये मजबूर बाप है। नहीं, मुझे एसके सालू के कहते हैं और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया हूँ। अरे रे रे रे, क्या होगा इस देश का, या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के बच्चों के एडमिशन के वांदे हैं, आम आदमी के बच्चों का क्या होगा? जी नहीं, मैं आप लोगों को ये नोटिस देने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो एक कॉलेज खोला है वो कानून के खिलाफ है। कोई बात नहीं, हम लोग हफ्ता देने के लिए तैयार है। हफ्ता? कैसा हफ्ता? अरे भाई, इनलीगल मटके का धंधा हो या दारू का धंधा, हम हफ्ता डबल कर देते हैं। तुम्हें मटके के अड्डे में और कॉलेज में कोई फर्क नहीं लगता क्या? क्या फर्क है साहब, दोनों में चांस की बात है। मटके में 100 में से 1 को आंकड़ा लगता है और कॉलेज में पढ़कर 1000 में से 1 बच्चा अफसर बनता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शिक्षा के बारे में ऐसी बातें करते हुए। और आप लोग ये अपने हथकंडे बंद कीजिए, वरना आप लोगों पर मुझे कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे साहब, आप हमारी बात तो सुनिए, हम जो कर रहे हैं वो सोसाइटी की जरूरत है। ये सब कुछ आप मेरे सीनियर को समझाना, मुझे जो हुक्म हुआ वो मैंने सुना दिया। समझ गया, तू नहीं सुनता तेरा सीनियर सुनेगा। क्या नाम है तेरे सीनियर का? मिस्टर गोडबोले। गोडबोले साहब, इस बार भी सैकड़ों बच्चे बिना एडमिशन के रह गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो सभी को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने सभी कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस चालू करें। पर आप नए कॉलेजेस खोलने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? नए कॉलेजेस खोलना खाने का काम तो नहीं है ना। ये क्यों नहीं कहते कि कॉलेजेस बढ़ जाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा? हाँ, बैठे बैठे कुर्सियाँ नहीं तोड़ पाओगे, बैठे बैठे पेट नहीं बढ़ा पाओगे, सारी चर्बी गल जाएगी। कौन है आप लोग, यहाँ अंदर कैसे आए? अबे ये तो अंधा लगता है। क्या? हाँ, अबे तेरे सामने तो दरवाजे से अंदर आए, पूछ रहे अंदर कैसे आए। अबे गोडबोले, तुम बहुत बोले, अब हमारी सुनो। बोलो बोलो। हम लोग दिया और तूफान कॉलेज के ट्रस्टीज हैं। दिया और तूफान, ये कॉलेज कब खुला? आज सुबह, और दोपहर को इनकी मेहरबानी से बंद भी हो गया। अच्छा, तो आप ही वो लोग हैं जिन्होंने वड़ा पाव और मसाला डोसा की गाड़ी की तरह ये कॉलेज खोल डाला था। सीधी बात है यार, जिसको कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला वो हमारे कॉलेज में आ जाएगा। जिसकी 5 स्टार में वल्गर खाने के औकात न हो वो रास्ते का वड़ा पाव ही खाएगा ना। कादर भाई, वल्गर नहीं, बर्गर। अरे बर्गर हो या वल्गर, क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, वो सेक्सी पियला ने बोला है क्या? सेक्सी पियला? ये कौन है? जो शेक्सपियर को सेक्सी पियला बोले वो कॉलेज का ट्रस्टी है। ओ, ट्रस्टी का क्या मतलब होता है? जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। और कागज पर इतने ट्रस्ट कर दिए है कि रात को 1 बजे हम लोग ऐश्वर्या राय को इनके साथ भेज सकते हैं। देखो, ये आलतू फालतू बातें छोड़ो, मतलब की बात करो, तुम यहाँ क्या लेने आए? हम कुछ लेने नहीं आए, आपको वार्न करने आए हैं कि आपने जो हमारे कॉलेज पे नोटिस भेजे ना वो वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, देखो
जो लीगली मेरा फर्ज बनता था वो मैंने किया है। रही बात तुम्हारी गीदड़ भक्तियों की, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, समझे? ओए साहब, आप अपन को जानता नहीं है, ये उन कुत्तों में से है जो भोंकते भी और काटते भी है। अच्छा, क्या कर लोगे? हम तो कुछ नहीं करेंगे, करेगा हमारा बाप आनंद बाकुर, वो आपके दफ्तर के आगे अग्नि स्नान कर लेंगे। कैसी लागी लगन मीरा हो गई कैसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरिगुन गली गली गाने लगी। आओ आओ मेरे आनंद जलोटा, क्या हुआ बड़े भजन गा रहे हो? नहीं तो क्या, सुबह सुबह दिलेर मेहंदी की तरह टांग उठाकर ट्रेन में न चढ़ दी, बस में न चढ़ दी, बोलो नाड़ा 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 करके नाड़ा बेचू क्या? बात कर दिए, सुबह नहीं हुई तो चालू हो गई, अभी उतर नहीं दी। अखबार में बिजली का तार छुपा के रखा हुआ है क्या? निमोनिया हुए कबूतर की तरह फड़फड़ा क्यों रहे हो? बी 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 ना बोलो ना बोलो, वरना बिग बी समझेंगे तुम उन्हें बुला रहे हो, और वो बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। बीना 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 आज शाम आनंद माथुर का अग्नि स्नान। कितनी बड़ी न्यूज़ तुमने मुझसे पूछे बगैर छपवाई कैसे? अरे मैं पूछ के आता हूँ। अरे क्या बात कर रही तू, मैंने कैसे छपवाई? तो किसने छपवाई? मुझे क्या मालूम? शिक्षा सचिव गोड़बोले को आनंद माथुर के बच्चों ने धमकी दी है कि उनके चलते फिरते कॉलेज दिया और तूफान को मान्यता नहीं दी गयी तो आनंद माथुर शिक्षा सचिव के दफ्तर के सामने अग्नि स्नान करेंगे। बच्चों, बच्चों जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ माँ? ये न्यूज़ किसने छपवाई है? बताओ। माय गॉड, मुझे तो लगता था कोई मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता, इन लोग ने तो मेरी बात को अखबार में छाप दिया है। यानी ये बकवास तूने की थी? हाँ बाबू, इस हटेली ने वहाँ जोश में आकर ये सब कुछ बोल डाला। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये लोग अखबार में छापेंगे। अरे लेकिन अब क्या होगा? क्या हो सकता है? अरे ये तो मेरे जबान की इज्जत का सवाल है। चारी, अब तो आपको अग्नि स्नान करना ही पड़ेगा। डैड आप चिंता मत करो, हम लोग कुछ सोचते हैं। नहीं नहीं दे, रहने दो, सोच सोच कर तुम लोग मुझे यहाँ तक ले आए हो, और आगे कहाँ ले जाना है? बिना सफेद साड़ी तैयार रखो। लोग अर्थी पर चढ़कर जलते हैं, मैं जलकर अर्थी पर चढ़ने वाला हूँ। अरे शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ। हाँ, चले तुम्हारे दुश्मन। आनंद बाबू, आपके अग्नि स्नान की खबर सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल रही है। शहर के लोग कम से कम 500 देसी घी के डिब्बे लेकर आ रहे हैं। देसी घी के डिब्बे काय के लिए? इतने महान आदमी को पेट्रोल से चलाना अच्छी बात नहीं है ना, इसे मैंने सुसाइड के लिए 5 लीटर पेट्रोल भी मंगवा के रख लिया। वैसे आनंद माथुर ने भी एक प्लान बना के रखा है। अच्छा? हाँ, जैसे उनको आग लगेगी वो तुम्हारे गले लग जाएंगे। क्या? हाँ, तुम्ही ने ये न्यूज छापी थी ना, अब तुम्हारी भी न्यूज छपनी चाहिए ना। से बांध दूंगा। चलो बाबू, 4:30 बज गए, चलो उठो। हाँ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे डैड चिंता मत करो, हमने सब तैयारी कर ली है। हाँ, इंस्पेक्टर वाघमारे को हमने बोल दिया है, 5 बजे तक गोड़ बोले कुछ न बोले तो आनंद माथुर अपने आप को आग लगाने की कोशिश करेगा, और तुम वहाँ आके सुसाइड करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेना। हाँ, छापने का नहीं है ये। दादी, आप हीरो भी बन जाओगे और जलने से भी बच जाओगे। मुझे बहुत डर लगता है। अरे डैड डरो मत, जो डर गया समझो वो मर गया। जिंदा जलाने की बात हो तो जिन्होंने डायलॉग लिखा है ना, वो सलीम जावेद भी डर कर मर जाएंगे। अरे यार टाइम पास मत कराओ, उठो यार, चलो 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 चलो। भाइयों और बहनों, हमारे देश में मंदिर के पास बियर बार खुल सकते हैं, स्कूल के पास दारू की दुकान खुल सकती है,
लेकिन कॉलेज नहीं खुल सकता। हमारे देश के बच्चे भले ही अनपढ़ रहे, इस देश के नागरिक ज्ञान के उजाले से महरूम रह सकते हैं, लेकिन ये कानून की दुम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए ये महान आनंद माथुर अग्नि स्नान कर रहे हैं इनकी आंखें खोलने के लिए। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चलो 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 जल्दी करो, जिसको घी लगाना घी लगाओ, जल्दी करो जल्दी करो। एक काजल, तेरा भाग मारे आएगा ना? अरे हाँ आएगा। आइए आप माता साहब, आइए घी लगाइए। जाओगे आग मारे और उसकी बीवी का आपस में झगड़ा हो गया। उसकी बीवी ने उसको चटनी पिसने के पत्थर से मारा, वो अस्पताल में है। क्या बोलो आनंद माथुर? अरे यार कादर भाई कुछ करो। गोली चला करो, यहाँ भागम भाग हो जाएगी, अपने को टाइम मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, उसमें तो बेकसूर रोग कुचल कर मर जाएंगे ना। ठहरो ठहरो मिस्टर आनंद माथुर, आप इस तरह जान नहीं दे सकते। यार ये फरिश्ता कौन है? आप जाइए। भाइयों और बहनों, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैंने इस मामले में तहकीकात की है, इसलिए मैं आप लोग से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात मान ले। मान लीजिए ना इनकी बात, नहीं डैडी चलेंगे। मैं मानता हूँ कि बच्चों के एडमिशन की समस्या है, लेकिन इस साल मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास खुलवा के सभी बच्चों को संभालेंगे। शांति शांति रखिए भाइयों, शांति रखिए। लेकिन इसके पहले आनंद माथुर जी को अपना अग्नि स्नान कैंसिल करना पड़ेगा। ए, ये पानी से तो नहा सकते हैं ना? और मेरे उनकी बेटियों से विनती है कि वो अपना दिया और तूफान कॉलेज कुछ समय के लिए बंद कर दे। जब तक अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती तब तक ये कॉलेज बंद रहेगा, बाद में जब चाहे वो लोग कॉलेज शुरू कर सकते हैं। हमें मंजूर है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ कहना है। मुझे मालूम है आप अपनी शादी की बात करना चाहती हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे के कॉलेज में एक स्टूडेंट ने रैगिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मेरी ये सारे स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि रैगिंग कुछ हद तक अच्छी है, ऐसी रैगिंग ना करे जो किसी मासूम के लिए मृत्युदाता बन जाए। वाह, जिंदगी में पहली बार हथेली ने पते की बात की है। मानना पड़ेगा। हाँ।